इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग स्टूडेंट पर बातचीत करेंगे कि स्टूडेंट की क्या क्या समस्या है, स्टूडेंट आजकल इतना तनाव में क्यों रहता है, इसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप सफल होना चाहते हो, चाहता तो हर कोई होगा, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सही में आप सफल हो जाओ, तो सबसे पहले आपको तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, धैर्य। जब आपका समय आएगा तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत नहीं छोड़ना है आपको, और पेशेंस बनाए रखिए। आसपास के लोगों को नहीं देखना है, आसपास के लोगों को देखते हैं आप लोग, रिश्तेदारों को देखते हो, पड़ोसी को देखते हो, वो लोग सफल हो रहा है, हम नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है ना कि आप कुछ अच्छा करोगे, बस आपका समय नहीं आया है। ये सोच करके मेहनत करते रहिए, मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत कीजिए, रिस्क उठाइए, सब छोड़ छाड़ दीजिए, सिर्फ पढ़िए। कैसे नौकरी नहीं होगा, होना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत किया और सफल नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यदि आपकी तैयारी में ईमानदारी है तो आप 110% सफल हो जाओगे, और यदि झूठ मूठ का सिर्फ किताब लेके बैठते हो ना, तो फिर दिक्कत है। अब समस्या क्या है, तनाव में रहने का रीज़न क्या है? तो दो टाइप का स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट पहला ये होता है कि वैकेंसी आ रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, इस तरह का टेंशन में रहता है। तो इन सब चीज़ों का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका काम मेहनत करना है, तो आप मेहनत करते रहिए। यदि आप सोचते हैं कि परीक्षा का डेट निकलेगा तो हम पढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि युद्ध की घोषणा होगा तो हम ट्रेनिंग करेंगे लड़ने का, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। परीक्षा कभी भी हो सकता है, युद्ध कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहिए पहले से। जो पहले से तैयार रहेगा ना, वही जीतेगा। तो आपको तैयार रहना है किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना है। सामने जो भी एग्ज़ाम आएगा ना, वो आपको निकालना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम सामने आए, वो आपको निकालना है। घबराना नहीं है, घबराओगे, पेशेंस खो दोगे, एनर्जी डाउन होगा, बीमारी हो जाएगी, तबीयत खराब रहेगा, जिस लेवल पे अभी आप पहुंचे हुए हो वहां से भी नीचे चले जाओगे। तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये तो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट तनाव में रहता है कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। एक स्टूडेंट का एक ग्रुप तनाव में इसलिए रहता है क्योंकि उसको ना पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है ज़्यादा, उसको प्यार मोहब्बत बड़ी जल्दी हो जाता है। अब ये प्यार मोहब्बत बाबू सोना के चक्कर में ही तनाव में रहता है। ये फोन नहीं उठाया जा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के तनाव में रहता है, उसको परीक्षा से कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक चीज़ बोल देना चाहते हैं कि देखिए, अभी जो कुछ भी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन आगे भविष्य में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका कितना को गर्लफ्रेंड है, या कितना को था, या कितना क्या किए आप। आपको यही पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो, नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही आएगा। बाकी आप अभी जो कर रहे हो ना, जितना उड़फांद करना है कर लीजिए, ये कोई काम का नहीं है। इसीलिए भविष्य को देखिए, पहले नौकरी ले लीजिए, अच्छा से पढ़िए, उसके बाद आपको हर एक चीज़ करने का मौका मिलेगा। पहले समय गवा दोगे गलत चीज़ों में तो फिर बर्बाद हो जाओगे।
वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, तैयारी करते रहना है। नया नया स्टूडेंट को हम देखते हैं, अभी तक पढ़ाई नहीं है, शुरू नहीं किया अच्छा से, वैकेंसी नहीं आ रहा है। अरे वैकेंसी आएगा तुम पास कर जाएगा क्या? 2 महीना में पास कर लेगा? पहले तैयारी करो। इसलिए वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना, अपना जो आपका काम है बस काम को करते रहिए, और पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य रखिए, घबराना नहीं है, सफलता ज़रूर मिलेगी। सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।